12.1 कार्य। दैनिक जीवन में सामान्यतया किसी भी लाभदायक शारीरिक एवं मानसिक परिश्रम को कार्य समझा जाता है। जैसे विद्यार्थी परीक्षा के समय अध्ययन में बहुत समय व्यतीत करता है, पुस्तकें पढ़ता है, प्रश्न पत्रों को हल करता है, कक्षा में विचार विमर्श करता है। सामान्य भाषा में वह कठोर परिश्रम यानी कार्य करता है। इसी प्रकार किसी भी गीत को गुनगुनाना, मित्रों से बातचीत करना, विद्यालय के लिए कार्य योजना बनाना, सोच विचार करना आदि सभी को कार्य समझा जाता है। किंतु विज्ञान में भौतिक कार्य की परिभाषा अलग होती है। विज्ञान में कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। भौतिक कार्य तभी होगा जब बल की उपस्थिति में वस्तु में विस्थापन हो। अन्य सभी कार्य भौतिक कार्य नहीं हैं। इसी प्रकार व्यक्ति का ऊर्जावान होना व विद्युत ऊर्जा अथवा ऊष्मा या गतिज ऊर्जा अलग अवधारणाएं हैं। इस अध्याय में हम भौतिक कार्य व भौतिक ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। भौतिक कार्य के उदाहरण, एक पुस्तक को उठाएं। इसके लिए आपको बल लगाना पड़ता है और पुस्तक ऊपर की ओर विस्थापित होती है, इसलिए यह विज्ञान में कार्य माना जाएगा। पुस्तक ऊपर उठाने में लगा बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है व पुस्तक की गति में परिवर्तन होता है। आइए दैनिक जीवन के उन उदाहरणों पर विचार करते हैं जिन्हें हम सामान्य भाषा में कार्य कहते हैं। विद्यार्थी परीक्षा के समय कठोर कार्य करता है। चूंकि कार्य की वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार यहाँ बल एवं विस्थापन की दशाएं नहीं होती है, अतः विज्ञान में विद्यार्थी के इस कठोर परिश्रम को कार्य नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार गीतों को गुनगुनाना, विचार विमर्श करना आदि भी विज्ञान की दृष्टि में कार्य नहीं है। उदाहरण के लिए यदि आप एक कुर्सी को 10 मिनट तक उठाकर रखें तो क्या आपने कार्य किया होगा? शायद आपकी थकान से आपको लगे कि आपने बहुत कार्य किया है, परंतु भौतिक कार्य की परिभाषा के अनुसार कुर्सी को उठाए रखने में आपने कुर्सी पर कोई कार्य नहीं किया। यद्यपि कुर्सी को उठाए रखने के लिए आपने बल लगाया, पर कुर्सी में विस्थापन नहीं हुआ। चूंकि कुर्सी में विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए आपके द्वारा लगाए गए बल ने कुर्सी पर कोई कार्य नहीं किया। जैसे कि कुर्सी को उठाते समय कुर्सी की स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ, उस समय आपने भौतिक कार्य किया। उसके बाद वस्तु को उठाए रखने पर कोई अतिरिक्त कार्य नहीं हुआ। नीचे कुछ परिस्थितियां दी गई हैं। बताइए इनमें से किस किस में कार्य हो रहा है, किस में नहीं और क्यों? पहला, आपने एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेला पर वह नहीं हिली। दूसरा, आप सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की दूसरी मंजिल पर पहुंचे। तीसरा, यात्री स्टेशन पर बैग खींचकर कुछ दूरी तक ले जाता है। चौथा, एक चलते हुए साइकिल को रोकना।